ठीक है बच्चों को तो काम आएगा कम से चार बॉल 14 रन नेक्स्ट बॉल 14 रन स्कोर है महंगा ओवर बहुत महंगा ओवर खर्चीला ओवर कितना हो गया बैठता हूँ 18 कितना हो सर एक मिनट ही मिला यहाँ पे एक ओवर के बाद स्कोर है 18 रन टॉस जीता है फायर बोल्ट के कैप्टन ने पहले फील्डिंग करने का फैसला अच्छी शुरुआत आसूस की ओर से 11:47 पर यह पारी फायरबोल्ट कृपया ध्यान दीजिए 11:47 पर यह इनिंग शुरू की गई है और 30 मिनट में आपको 6 ओवर्स करने हैं फायरबोल्ट 30 मिनट में अगर आप ओवर नहीं करते हो तो आपको दंडित किया जाएगा चला एटीन रन्स और ये सभी 18 रन अब तक 6 गेंदों में स्वप्निल जाधव द्वारा बनाए गए और चीकू नए ओवर की शुरुआत ओ लवली बॉल बैकफुट पर धकेला था बल्लेबाज को आकाश वाघ आए हैं गेंदबाजी करने के लिए Another lovely bowling. पंकज बच्छाओ हरीश बच्छाओ के भाई आकाश वाघ अगली गेंद के साथ पंकज बच्छाओ को और इस बार दिशा से भटक गए पंकज वाइड गेंद कर दी 19 रन स्कोर हो गया इस प्रकार से आसूस का नाइनटीन रन्स इस बार खेला और बहुत तेज दौड़कर एक रन कंप्लीट किया गया बैट्समैन द्वारा 20 रन स्कोर हो गया है अब ट्वेंटी रन्स नेक्स्ट बॉल फॉर स्वप्निल ओ पॉल किया गेंद को लेकिन गेंद कहां जा रही है लॉन्ग ऑफ की तरफ और ये 6 रन क्या बैटिंग कर रहे हैं स्वप्निल यादव 26 रन स्कोर हो गया सेकेंड ओवर की 2 गेंदे बाकी हैं स्क्वायर कट एंड 4 रन्स व्हाट अ स्क्वायर कट
नेक्स्ट बॉल, क्लाइयों के सहारे गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में मोड़ा था स्वप्निल ने एक रन के लिए, 31 रन आफ्टर टू ओवर्स। इकतीस रन स्कोर है, चला फास्ट, चला फास्ट। देखिए अगले ओवर की शुरुआत करनी है थोड़ी तेजी से, प्लीज प्लीज गेम फास्ट करा। मनोज एक बात ध्यान में रखिए, आपको 30 मिनट दिए गए हैं। विनय, सॉरी विजय, विजय रसाल। और इसके साथ ही यहां पर विकेट चला गया, चीकू का विकेट चला गया, बहुत बड़ा झटका लगा है आसुस को और कैच लपका है महेंद्र सूर्यवंशी ने। बाहुबली खिलाड़ी हैं, हाथों में दस्ताने पहनकर खेलते हैं। हमेशा छाए रहते हैं मैदान में महेंद्र। नए बैट्समैन आए हैं रोहित, विजय रसाल ने पहली सफलता दिलाई है अपनी टीम को, 31 रन बने हैं। रोहित पटाइत, विजय अगली गेंद लेकर शॉर्ट बॉल और फायदा नहीं उठा सके इस गेंद का रोहित। गेंद बाउंस जरूर थी, शॉर्ट जरूर थी, लेकिन इतनी ज्यादा बाउंस नहीं कि अंपायर उसे वाइड करार दे सके। ऑन साइड में खेल दिया गेंद को, एक रन कंप्लीट किया गया रोहित द्वारा। रोहित ने अपना खाता खोला, स्कोर को पहुंचा दिया है 32 रनों पर। तीसरे ओवर का खेल जारी है, स्कोर है 32। नेक्स्ट बॉल, विजय की गेंद, पंकज बच्चाओ को, और इस बार बहुत शानदार शॉट खेला गया पंकज द्वारा। पहला चौका पंकज के बैट से आया है, 36 रन्स। छत्तीस रन बन गए, अगली गेंद के साथ, और इस बार गेंद को पॉइंट की दिशा में खेला है पंकज ने। सिंगल रन यहां पर मिलेगा, 37 रन्स, लास्ट बॉल ऑफ द थर्ड ओवर।
विजय रसल। रोहित पटाइत के लिए गेंद करेंगे अब। एक्सपेक्ट कर रहे हो ओवर की समाप्ति, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये भी गेंद वाइड होगी, लेकिन वो गेंद जो सर के ऊपर से गुजरेगी अंपायर द्वारा निश्चित रूप से उसे वाइड दिया जाएगा। थर्टी सेवन आफ्टर थ्री ओवर्स। देखिए तीन ओवर के बाद, दो ओवर के बाद स्कोर था 31 रन और तीन ओवर के बाद स्कोर हुआ 37। आकाश वाघ एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। इससे पहले ओवर में आकाश ने एक ओवर में 13 रन दिए थे। इस बार ये गेंद ऑन साइड में खेला और बच गए बैट्समैन। 38 रन। अब रोहित स्ट्राइक पर होंगे। नेक्स्ट बॉल फॉर रोहित। अगली गेंद के साथ तैयार होते हुए एक बार फिर आकाश। रोहित पटाइत को अनवाइड बॉल। स्कोर इज 39। चौथे ओवर का खेल जारी है। 39 रन। और एक एक्स्ट्रा रन 40 रन। आसूस का स्कोर 40 रन। चौथे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर। फुल लेंथ गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में उछाला है। इजी टेकन। रोहित पटाइत आउट। विकेट नंबर 2। पावर प्ले के दो ओवर में स्कोर था 31 रन जिस समय स्वप्निल जाधव बल्लेबाजी कर रहे थे। हेमंत आए हैं नए बैट्समैन। अब बगैर फुटवर्क के स्ट्रक खेलने की कोशिश की गई नए बैट्समैन हेमंत द्वारा। हेमंत अहिरे न्यू बैट्समैन। तीन गेंदे बाकी हैं चौथे ओवर में। अभी स्कोर हुआ है 40 रन। ऑन साइड में उछाल कर खेला और नहीं रोक पाए। 4 रनों का स्ट्रोक आता हुआ हेमंत के बल्ले से। 44 रन।
दैट्स एंड। विनय द्वारा इस बार लपक लिए गए, वापस जाना होगा हेमंत अहिरे को। 44 रनों पर एक और विकेट गवा दिया है आशुष ने। फायरबोल्ट मैच फास्ट कर रहा, फायरबोल्ट अच्छा कमबैक आकाश द्वारा। चार ओवर का खेल पूरा, चार ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेटों के नुकसान पर आशुष का स्कोर है 44 रन्स। पांचवें ओवर की शुरुआत होने वाली है और पांचवें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए फिर एक बार बुलाए गए हैं विजय रसाल। बच्चाओ ऑन अ स्ट्राइक, अंदरूनी किनारा लिया गेंद ने बल्ले का, एक रन कंप्लीट किया गया बच्चाओ द्वारा। सारंग कांबड़े ऑन अ स्ट्राइक, ओ इस बार क्या स्ट्रोक खेला गया सागर का सारंग कांबड़े द्वारा। 6 रनों का स्ट्रोक सारंग के बल्ले से आया है। 51 रनों पर पहुंच गया है स्कोर इस प्रकार से अब आशुष का। टू रन इस समय स्कोर विजय की अगली गेंद। ओ यहां पर बच गए बैट्समैन, बच गए पंकज बच्चाओ। विकेटों के बिल्कुल करीब विकेट कीपिंग कर रहे हैं मनोज बोरा। 4.4 ओवर्स, 52 रन विजय रसाल बच्चाओं को, और ये वाइड बॉल 53 रन्स, 53 रन बने हैं। पांचवें ओवर का खेल अभी जारी, 2 गेंदे बाकी हैं इस ओवर में। विजय रसाल फिर से एक बार पंकज बच्चाओं के लिए, राइट टर्म ओवर द विकेट, ऑन साइड में खेल दिया है गेंद को, देखना है। महेंद्र दौड़ रहे हैं और महेंद्र ने रोका है गेंद को। दूसरा रन जोखिम,
क्या फील्डिंग का नमूना पेश किया महेंद्र ने। पचपन रन बन गए हैं अब। आखिरी गेंद लेकर तैयार होते हुए अपने ओवर की विजय रसाल। पुल करने की कोशिश गेंद को, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से। 57 रन बन गए अब 57 रन। पांचवें ओवर का खेल जारी है। पुल कर दिया गेंद को, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग की दिशा में। महेंद्र वहां मौजूद हैं। एक रन लिया गया और एक ही रन। पांच ओवर का खेल कंप्लीट हो गया। पांच ओवर की समाप्ति के बाद आसूस का स्कोर है 3 विकेटों के नुकसान पर 58 रन। 3 ओवर 58 रन। केवल 6 मिनट का समय बचा है अब फायरबोल्ट के पास। 6 मिनट का समय बाकी है और एक ओवर भी बाकी है। क्या स्ट्रोक खेला है सारंग कांबले ने, क्या शानदार स्ट्रोक खेला गया सारंग कांबले द्वारा। विनय दही आए हैं लास्ट ओवर में गेंदबाजी करने के लिए और चौके से शुरुआत आखिरी ओवर की। सारंग कांबले 5 गेंदों में 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। विनय की गेंद सारंग कांबड़े को, फिर एक बार खेला गेंद को, इस बार शायद एज लिया था, नहीं वाइड बॉल, वाइड बॉल। 64 रन, स्कोर हो गया 64 रन। And a dot ball this time. 64 runs. अंतिम ओवर का खेल जारी है। 4 गेंदें शेष रह गई है इस इनिंग में। पैंसठ रन। सारंग कांबड़े ऑन अ स्ट्राइक। एन अवाइड। सिक्सटी सिक्स रन। अंतिम ओवर की 3 गेंदें बाकी हैं। विनय सारंग ने खेला गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। पहला रन तेजी से कंप्लीट किया गया और अच्छी फील्डिंग।
दो रन। बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में और बॉल अच्छी फील्डिंग। व्हाट अ थ्रो, व्हाट अ थ्रो फ्रॉम विजय, विजय रसाल, क्या थ्रो किया है विजय ने। लॉन्ग ऑन से डायरेक्ट स्ट्राइकिंग एंड के स्टंप बिखेर दिए विजय ने। एक नंबर, एकश नंबर। नए बैट्समैन आए हैं राहुल। सिक्सटी नाइन रन्स। सिक्सटी नाइन रन्स। गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे और कैच छूट गया। वन रन शॉट, वन रन शॉट। टारगेट 72 रन। 72 रनों का लक्ष्य होगा जीत के लिए फायरबोल्ट के सामने। कंप्यूटर एसोसिएशन ऑफ नासिक की ओर से आयोजित सीपीएल 2023 आज का दूसरा दिन, दूसरे दिन का तीसरा मुकाबला और तीसरे मुकाबले की पहली पारी समाप्त हो गई है। असोस टीम लवकर लावा फील्डिंग चला, असोस टीम। असोस फील्डिंग लावा। डेल आणि क्विकिलचे कॅप्टन टॉस कबॉस करण्यासाठी आहे इकडं। डेल आणि क्विकिलचा टॉस आता आपले क्विकिलचे ब्रिजेंदर सिंग सर करतील, त्यांच्याच बरोबर अमोल कडबणे त्यांनी टॉस का बॉस करण्यासाठी यायचंय। डेल विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट।
डेल टीम ने टॉस जिंकून बैटिंग करने का निर्णय घेतलेला आहे। किरण लोंडे पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए हैं, आसूस की ओर से स्ट्राइक पर होंगे। मनोज बोरा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े हैं विजय रसाल। पहली गेंद बारह बजकर बीस मिनट पर यह पारी शुरू हो रही है, याद रखिए आप लोग। किरण की गेंद, पहली गेंद हवाई रास्ते से खेला गया स्ट्रोक डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की ओर और ये चार रन। छत्तीस गेंदों में अगर आपको 72 रन बनाने हैं तो लाजमी बात है आपको तेज शुरुआत करनी होगी, पावर प्ले का फायदा उठाना ही होगा। पहले ओवर का खेल जारी है, पांच रन अब तक बनाए गए हैं मनोज बोरा द्वारा। अगली गेंद लेकर तैयार होते एक बार फिर किरण और पहली बार फेस करने वाले हैं विजय। लेग स्टंप की तरफ गेंद कर दी इस बार, वाइड बॉल। दो गेंदों में स्कोर है 6 रन, प्रति ओवर 12 रन बनाने हैं, 36 गेंदों में 72 रन, ये मुकाबला जीतने के लिए फायरबोल्ट को। अगले मुकाबले में डेल के कैप्टन ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया गया है कप्तान द्वारा। इस बार अच्छी गेंद, किरण गेंदबाजी बॉलिंग क्रीज से काफी पहले गेंद को रिलीज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं अपने हाथों से, जैसे क्रिकेट जगत में केरन पोलार्ड, सकलेन मुश्ताक। ओह क्या शानदार शॉट खेला है विजय ने, स्कोर 10 रन, पावर प्ले का फायदा उठाने की कोशिश। डीप मिड विकेट और डीप एक्स्ट्रा कवर, ये दो खिलाड़ी इस समय बाउंड्री लाइन पर हैं। पहला ओवर जारी है, 10 रन बन गए हैं। नेक्स्ट बॉल पोल क्यार, इस बार गेंदबाज लपक नहीं सके गेंद को, फॉलो थ्रू में कॉट एंड बोल्ड का एक अवसर जरूर था। पांच गेंदों में स्कोर है 11 रन, पांच गेंदों में स्कोर हुआ है 11 रन। युवराज जोमन, तुम्हारे गेट की चावी असल तो देता का युवराज जोमन?
वो ऑन साइड में बड़ा स्ट्रोक खेला गया मनोज बोरा द्वारा और फील्डिंग की फील्डर की बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि चौका चला गया। ओवर समाप्त। एक ओवर के बाद स्कोर 15 रन। अच्छी शुरुआत फायरबोल्ट की ओर से। महेंद्र अब जाकर देख रहे हैं क्या था। सचिन साळुंके कुठा सिलिकडे ना सचिन साळुंके चला लवकर घाई करा। 12:25 हो गए हैं। तीस मिनट में अगर 6 ओवर नहीं किए गए तो आपको पनिश्ड किया जाएगा। महेंद्र चेक करने के लिए उधर जाकर बैठ गए हैं गवत पर। सारंग कांबड़े जो दो गेंदबाजों ने अभी तक सीपीएल में मैदान ओवर किया है उसमें से एक सारंग कांबड़े भी हैं। कल 2 विकेट लेते हुए मैदान ओवर किया था सारंग कांबड़े ने। चला गेम फास्ट करा गेम। लई ढीला खेल चल रहा है। युवराज धोमन सारंग की गेंद। पहली गेंद शॉर्ट गेंद। छोटे रनअप से कंधे का इस्तेमाल करते हुए तेज गेंद करते हैं सारंग। प्रवीण कांबड़े की 8 दिलाते हैं। प्रवीण तांबे शॉर्ट बॉल घुमाया गेंद को। फील्डर मौजूद है मिड ऑन पर। एक और सफलता सारंग के नाम। मिड ऑन पर खड़े खिलाड़ी हेमंत के हाथों में जाकर समा गई गेंद। चला नेक्स्ट बैट्समैन पटकनिया। प्रतीक ठाकरे आ रहे हैं नए बैट्समैन। चला लवकर फायरबोल्ट के अगले बैट्समैन से एक रिक्वेस्ट होगी कि आपको रेडी रहना है। बाएं हाथ के बल्लेबाज है प्रतीक ठाकरे। सारंग कांबले ऑन साइड में खेलना चाहा था गेंद को। 16 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर अब इस प्रकार से। ये मुकाबला देखने के लायक होगा। सारंग कांबले का मुकाबला मनोज बोरा से होना है। सारंग की गेंद फुल टॉस खेला गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में। अनदर सिंगल। 17 रन्स। दो गेंदे बाकी हैं सारंग के ओवर में भी। ऑन साइड में खेलना चाहा था गेंद को ठाकरे ने।
ओहो मिस्टेक, 18 रन्स, 18 रन्स। पहले ओवर में 15 रन बने थे और इस ओवर में अभी तक 5 गेंदों से केवल 3 रन दिए हैं सारंग कांबड़े ने। गेंद मनोज बोरा के लिए होगी और ओवर कंप्लीट हो जाएगा। दो ओवर का खेल पूरा हो गया, दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 18 रन, 4 ओवर की 24 गेंदों से 54 रन बनाने हैं अब फायरबोल्ट को यह मुकाबला जीतने के लिए। स्वप्निल जाधव आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। अब पावर प्ले समाप्त हो गया है। स्वप्निल जाधव ऑन साइड में शानदार शॉट खेला गया डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, प्रतीक ठाकरे का यह पहला चौका, 22 रन बन गए अब। ट्वेंटी टू रन्स, 2.1 ओवर। फुल टॉस गेंद और डाइव लगा के गेंद को रोकने की कोशिश थर्ड मैन के खिलाड़ी द्वारा, 2 गेंदों में 2 चौके आ गए हैं अब। देखिए सुनील कासार, अपना ख्याल रखकर खेलना है। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेला जाए, सभी से ये रिक्वेस्ट है। राउंड द विकेट फ्लिक किया ऑन साइड में, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच से 1 रन मिलेगा, 27 रन्स, 27 रन्स। युवराज जोमन, संदीप सचिन शिंदे लेवन बेटा, युवराज जोमन सत्ताईस रन बने हैं। तीसरे ओवर का खेल जारी है। शॉट बॉल मिस हो गए विकेट कीपर सारंग और ओवर थ्रो। दूसरा रन भी कंप्लीट कर लिया गया। बाईस के रूप में ये रन आ जाएंगे, 29 रन्स। तीसरे ओवर का खेल जारी है। चार गेंदें इस ओवर में अब तक हुई हैं। अच्छा ड्राइव वाइड स्मिड ऑफ पर, 30 रन बन गए हैं अब।
19 गेंदे बाकी हैं और 42 रन बनाने हैं जीतने के लिए फायरबोल्ट को। प्रतीक ठाकरे ऑन स्ट्राइक, ऑन साइड में खेलना चाहा था गेंद को, ओवर थ्रो और देखना है गार ऑन थ्रो। तीन ओवर के बाद स्कोर हो गया 32 रन, 32 रन। चला चला फास्ट कर लवकर, चला आसूस देल, चला लवकर। देखिए 12:50 पर यह पारी समाप्त होनी जरूरी है, 12:50 पर आपको यह पारी समाप्त ही करनी है, ध्यान में रखिए वरना आप दंडित किए जाएंगे। 5 की बजाय केवल 4 खिलाड़ी आसूस आपको फास्ट कर गेम आसूस। एक बार फिर सारंग कामले, सामने होंगे मनोज बोरा। 7 गेंदों में 13 रन बनाकर खेल रहे हैं मनोज और 6 गेंदों में 13 रन बनाए हैं प्रतीक ठाकरे ने। टोटल स्कोर 32 रन। पहली गेंद चौथे ओवर की मनोज के लिए, स्टेप आउट होकर क्या शानदार शॉट खेला है मनोज ने, व्हाट अ शॉट, शॉट ऑफ द डे सो फार, आज के दिन का अब तक का सबसे शानदार शॉट मनोज बोरा के बल्ले से। 36 फुल टॉस बनाकर ऑन साइड में खेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ। 37 रन्स। चौथे ओवर का खेल प्रगति पर है, 16 गेंदे बाकी हैं और 35 रन बनाने हैं जीतने के लिए। उछाल कर खेला डीप मिड विकेट की ओर गेंद, हवा में फील्डर गेंद के नीचे और प्रतीक ठाकरे की पारी समाप्त हो जाएगी। अब सारंग कांबळे को यह दूसरी सफलता, अब तक 2 विकेट गए हैं और दोनों विकेट लेने का श्रेय जाता है सारंग कांबळे को। आशीष सिंह कप्तान, आशीष सिंह सारंग कांबळे 2 विकेट अब तक ले चुके हैं सारंग। फुल लेंथ गेंद थी। जोरदार अपील, चार गेंदों से 5 रन इस ओवर में अभी तक आए हैं। नेक्स्ट बॉल आशीष सिंह के लिए, ऑन साइड में खेलना चाहता गेंद को, गेंद पहुंची है थर्ड मैन की दिशा में, लेग बाइज का इशारा अंपायर की ओर से, रन संख्या 38 रन।
नेक्स्ट बॉल फॉर बोरा सारंग कामले, स्टेप आउट होके बाहर निकले अपील, अड़तीस रन बने हैं, नॉट आउट। उसका कारण यह है गेंद बल्ले से लगने के बाद जमीन पर को छुई और फिर विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। सही फैसला अंपायर्स का। फुल लेंथ गेंद थी, बल्ले से टकराई जरूर लेकिन जमीन को छूती हुई गई थी विकेट कीपर स्वप्निल यादव के हाथों में। स्वप्निल ला रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। अब 12 गेंदें बाकी हैं, 12 गेंदों से 34 रनों की आवश्यकता है। 12 बॉल 34 रन्स। स्वप्निल की पहली गेंद ऑन साइड में उछाला गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ और अच्छा कैच, आउट हो गया आशीष। और बैटिंग करने के लिए आए हैं महेंद्र पहली बार इस वर्ष सीपीएल में, महेंद्र सूर्यवंशी। वर्ती नहीं, ऊपर नहीं है। सफलता दिलाई स्वप्निल यादव ने। नेक्स्ट बॉल महेंद्र के लिए, बाहर निकल आए थे गेंद को खेलने के लिए महेंद्र। और ये वाइड बॉल, और ये वाइड बॉल, थर्टी नाइन रन्स, 11 बॉल 33 रन। हाथों में दस्ताने पहनकर क्रिकेट खेल रहे हैं महेंद्र। ऑन साइड में खेलना चाहा था गेंद को, लेग बाइज का इशारा अंपायर की ओर से। 40 रन बने हैं, अब 10 गेंदों से 32 रन बनाने हैं। मनोज बोरा ऑन अ स्ट्राइक। यस यस चले, देखिए जल्दी जल्दी खेलना है। 9 गेंदें बाकी हैं, 32 रन बनाने हैं, यानी 9 गेंदों में 8 चौकों की आवश्यकता है। मनोज बोरा पहला सिक्स चला गया, चला। जल्दी जल्दी खेलना है। आप देख सकते हैं मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है। अचानक से वातावरण चेंज हो गया है, मौसम पूरी तरह से ढगाड़ हो गया है। छियालीस रन बन गए हैं अब। नेक्स्ट बॉल फॉर मनोज, ओ खराब गेंद, नो बॉल, नो बॉल, बीमर। फ्रीड भी है, फ्रीड भी होगी अगली गेंद। 8 गेंदें बाकी हैं, 25 रन बनाने हैं।
इस बार शॉर्ट गेंद पर बीट किया, शॉर्ट गेंद पर बीट किया, 7 गेंदे 25 रन आ गया है मुकाबला। अब केवल 5 मिनट बचे हैं और 7 गेंदे करनी है। ऑन साइड में खेल लिया गेंद को, एक और बड़ा स्ट्रोक, 6 रन। अंतिम ओवर में 19 रनों की आवश्यकता है फायरबोल्ट को। अब क्या बैटिंग की है मनोज बोरा ने। स्कोर हो गया है 5 ओवर की समाप्ति के बाद 53 और गेंदबाजी करने के लिए आए हैं हेमंत अहिरे। और केवल 4 मिनट बचे हैं अब। पहली गेंद और देखना है। यस, रन आउट हो गए। महेंद्र, मुझे लगता है महेंद्र अगर साइड एक्टर का भी रोल यहां पर अदा कर लेते तो शायद काम हो जाता था। पांच गेंदे बाकी हैं, 19 रन बनाने हैं। सचिन बोरसे न्यू बैट्समैन, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है सचिन बोरसे, स्ट्राइक पर होंगे बोरा। हेमंत, हेमंत गेंदबाजी होगी मनोज के लिए। क्या बैटिंग की है इस मुकाबले में मनोज ने। शॉर्ट बॉल, खराब गेंद, खराब गेंद, ऊपर से चली गई सर के, वाइड बॉल। और केवल 2 मिनट बचे हैं अब और 5 गेंदें करनी है। मनोज बोरा के बल्ले से सीपीएल में लगाया गया अब तक का यह सबसे बड़ा सिक्स। चार गेंदे बाकी हैं और 12 रनों की आवश्यकता है अब। 16 गेंदों में 36 रन बनाकर खेल रहे हैं मनोज बोरा। क्षमता है इस बंदे में, क्षमता है इस बंदे में। चार गेंदे 12 रन। हेमंत ऑन साइड में खेल दिया गेंद को, वाइड स्लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर दौड़ रहे हैं, 1 रन कंप्लीट किया गया, दूसरा रन लेने निकल गए हैं मनोज बोरा। 3 बॉल 10 रन, 3 बॉल, यस, स्ट्राइकिंग एंड था ना, यस यस।
दोन रन तीन आता तीन चेंडू शिल्लक आहेत आणि 10 धावांची गरज. चला मनोज बोरा दो बॉल चार रन आ गया है मैच अब 7 बॉल 25 रन का मुकाबला. ध्यान रखिए आप लोग 7 बॉल 25 रन का मुकाबला 2 बॉल 4 रन पे आया है. अगली गेंद मनोज के लिए उछाल कर ऑफ साइड में खेला गेंद को देखना है और इसके साथ ही मुकाबला जीत लिया है फायर बोल चारे. अरे चौका ले प्रमोद सर बाउंड्री है ना. यस क्या इनिंग खेली है मनोज बोरा ने. चला पुढची मैच चालू करा लवकर स्टार्ट. चला डेल आणि कोण आहे दुसरी टीम. क्विक हिल डीलिंक. ब्रेक लेने ठीक है. देखिए लंच सर्व कर दिया गया है. जो लोगों के मैचेस नहीं है वो खाने का आस्वाद ले सकते हैं.